मेरा बच्चा मेरा घर पे 7 बजे तक था साहब, 7 बजे निकला साहब खाना वाना खा लेके। इसके बाद मुझे घर पे 8:45 या 9 बजे फ़ोन आया साहब, बच्चा आपका दवाखाने में दूरेश्वर में। तो मेरे को कुछ नहीं हुआ, फौरन दवाखाने को गया साहब, दवाखाने को गया तो वहाँ पता चला कि लोग 4-5 जने मिल के मारे, बच्चा गाड़ी पे से गिर गया, मारे लड़े हुए बोल के सुना। वो कौन बच्चे है क्या है मेरे को नहीं मालूम साहब। मैं पुलिस कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ साहब, इसकी तहकीकत कीजिए जाए साहब, मेरा बच्चा बहुत सीरियस है साहब। आप सबसे गुजारिश है साहब, पुलिस से गुजारिश है साहब, आप न्यूज़ चैनल वालों से गुजारिश है साहब, मेरी या मेरा बच्चा सीरियस है साहब, इसके लिए कुछ कीजिए साहब, बोझ में आ जाए मेरा बच्चा अच्छा सेहतमंद हो गया तो मेरे को अल्लाह। मेरा बच्चे का नाम मोहम्मद अदनान है साहब। कहाँ के रहने वाले साहब? मैं डबिलपुरा परतनगर। क्या काम करता बच्चा? मेरा बच्चा कॉलेज स्टूडेंट है साहब, सेकेंड ईयर करा हुआ था साहब, अब पास अब 18 इयर्स 19 इयर्स करा साहब। लड़ने की क्या? नहीं साहब मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, बच्चा 7 बजे खाना वाना खा लेके घर के गया, 9:45 को फ़ोन आया कि बच्चा तुम्हारा दवाखाने में। मैं दवाखाने में पहुंचने के बाद में मेरे को कुछ बच्चे से मालूम हुआ, बोलने लगे कि वहाँ 4-5 जने मिल के मारे। वो कौन बच्चे है क्या है मेरे को इतना अभी जानकारी पक्की नहीं है साहब, बस कौन बच्चे है, 4-5 बच्चे मिल के मारे बोल के मालूम है साहब। मैं पुलिस कमिश्नर साहब से पुलिस से गुजारिश करता हूँ, मीडिया से गुजारिश करता हूँ, मेरे बच्चे को जान बचा लीजिए साहब, मेरा बच्चा सीरियस है साहब। हम दुरेश्वर से साई हॉस्पिटल गए, साई हॉस्पिटल से उस्मानिया आए, श्री साई हॉस्पिटल गए। अभी बच्चा बहुत सीरियस है, चंचनगढ़ के 4 बच्चों ने मिलकर उसके ऊपर हमला किया। कौन बच्चे है क्या है अभी डबल पुलिस कर रही अपना काम। हम कमिश्नर पुलिस और तेलंगाना के सीएम साहब से और हमारे होम मिनिस्टर साहब से अपील करते हैं, नहीं ऐसा कुछ कोई हमला नहीं है। स्टूडेंट बच्चा था, क्या आपस में इतनी क्या खुशमत थी नहीं मालूम। इस तरह हैदराबाद में इस तरह के वाकयात होंगे तो अपने बच्चों को कैसे सेव करें। हमारे सीपी साहब से हमारी पुरजोर अपील है कि इसको बहुत सख्ती से इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इनको हम वो भी बच्चे हैं लेकिन ये शहर में इस तरह नहीं चलेगा। एक बच्चा 7:30 बजे जाता है और 9 बजे सीरियस हो जाता है, दवाखाने में सीरियस है, ये कब तक चलेगा शहर में? आए दिन इस तरह चल रहा है, कौन करेगा इसका हल? आज हमारे बच्चे के साथ हो गया है, आज बहुत सीरियस है बच्चा, डॉक्टर भी कोई जवाब नहीं दे रहे हमारे। मैं गुजारिश करता हूँ साहब, होम मिनिस्टर सीएम साहब से, हमारे असदुद्दीन साहब से, अकबरुद्दीन साहब से गुजारिश है साहब, मेरा बच्चा बहुत सीरियस है। उस्मानिया दवाखाने में पहले दूरेश्वर गए, दूरेश्वर से साई से उस्मानिया है साहब, मेरा गुजारिश है मेरा बच्चा बहुत सीरियस साहब। वो जानने वाले अनजान बच्चे हैं? नहीं पहचानता साहब मैं अभी, वो कुछ मेरे को मालूम नहीं है, मगर लोगों से मालूम है सब 4-5। चंचल बड़े हो क्यों गए वहां? नहीं साहब ये दोस्त हुए, दोस्तों के साथ बच्चा ही बता सकता, जब होश में आएगा तो बच्चा बताएगा। चंद उसके दोस्तों की तरफ से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बच्चों ने बयान दिया कौन कौन बच्चे थे, उनको पुलिस अरेस्ट कर रही है, पुलिस अरेस्ट हुई है ना अभी, पुलिस डब्ल्यूपा पीएस पे लेके आए हैं, अभी वो कार्रवाई कर रही है। हम भी पूरी तरह नहीं बता सकते कुछ भी, हम सिर्फ दवाखाने में परेशान हाल है, हम बस पुलिस से और मीडिया से ये गुजारिश है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तिरागढ़ा नेताजी नगर एजी कॉलोनी में वाक़े बिस्मिल्ला फूड्स एंड कमोडिटीज, जहां पर सोना मसूरी बासमती चावल के साथ ही साथ मुख्तलिफ वैरायटीज के चावल दस्तियाब है और आटा तेल शक्कर भी मौजूद है, कम से कम दामों में सहूलत फराहम की जा रही है। आप घर बैठे ऑर्डर दे सकते हैं और ये आपको लेकर सामान पहुंचा देंगे, वो भी मुफ्त में, यानी होम डिलीवरी फ्री। देर किस बात की, फौरी इन नंबर पर रابطہ पैदा करें 6301809556 8247414549। बिस्मिल्ला फूड्स एंड कमोडिटीज, रागड्डा हैदराबाद। हमारे एचएन न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे वक्त पर।